स्टार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भिवंडी के शांति नगर पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें चोरी की मोबाइल, चरस, नकली नोट बनाने के आरोपी शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 100 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। मोबाइल की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है, तो वहीं 500 ग्राम चरस भी बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 4,95,000 रुपया बताई जा रही है। साथ ही जाली नोट बनाने वाली मशीन भी जब्त की गई है। लाखों रुपए जाली नोट के भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बरामद किए मोबाइल को उन लोगों को लौटा दिया है जिनके ये मोबाइल थे। शांति नगर पुलिस स्टेशन में DCP योगेश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या जानकारी दी है। भिवंडी जोन में शांति नगर पुलिस स्टेशन में बहुत बड़ी कामयाबी हमें हासिल हुई है, उसमें कि 2-3 साल पहले के मोबाइल, लगभग 100 के करीब मोबाइल थे, वो मोबाइल हमने ताबे में रिकवर करके अलग अलग गुने से या अलग अलग जहाँ पे मिले हमें, तो इस हिसाब से टोटल हमने 100 गुने जो है 100 मोबाइल है वो जब्त किए और अभी आपके सामने अभी उसका वितरण किया है। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि लगभग जो लोग जिन्होंने आशा छोड़ दी कि भाई मोबाइल मिलेंगे नहीं, लेकिन बहुत अच्छा सूझबूझ के साथ हमारे DB के सभी ऑफिसर है, हमारे सीनियर इंस्पेक्टर, उन्होंने बढ़िया काम किया है। क्राइम क्या है, हमारे एडमिन के किया है, लगभग 15 लाख रुपए करीब वो कीमत का पूरा माल था, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके बाद दूसरी एक बड़ी कामयाबी ऐसी हासिल हुई कि अहमद नाजम नासिक करके है, प्रभुवाड़ी में, भिवंडी में ये जो रहता है, तो ये बनावट जो डुप्लीकेट नोट बनाने का काम करता था, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली 500 रुपये के करीब के, जो ज़्यादातर 500 रुपये के नोट और बाकी 100 के 200 ऐसे इस तरीके से वो बना के, उसके साथ में और एक दो लोग थे, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली वो साई प्रेम होटल साई बाबा मंदिर के सामने कल्याण रोड पे, कि भाई बेचने के लिए ये देने के लिए, ये हमारे रविंद्र पाटिल PSI इनको इन्फॉर्मेशन मिली, वो हिसाब से सब ट्रैप लगा के और 22/9/21 को परसों के दिन ये कार्रवाई की है। और उसमें ये जो नाजम अहमद नाजम नासिक कर है, उसको 32 साल का है, तो इसको लगभग जो 500 के जो बंडल है, 2 बड़े बंडल ये किए है 1 लाख रुपए के, और 10,000 रुपए कीमत का ये ओप्पो मोबाइल जो है वो भी ताबे में लिया है। वो हिसाब से जो है कार्रवाई की है, CR नंबर 644/21 के तहत IPC की धारा 400/489/B/489C और 34 के तहत गुना शांति नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया है। तो यहाँ और ज़्यादा छानबीन करने के बाद उसके साथ में जो है कि भाई ये अकेला नहीं कर सकता और दूसरा आदमी है उसके साथ में, तो जो है वो मोहम्मद शफीक अशफाक अहमद अंसारी, वो भी भिवंडी का रहने वाला है, उम्र उसकी 35 साल है, उसको भी अरेस्ट किया है और उसकी तरफ से जो है 1,19,500 रुपये की और 2,000 कीमत का मोबाइल इस तरीके से पूरा जब्त किया है। वो जो सब सामान था, लैपटॉप था, प्रिंटर था, लैमिनेटर, जो ये डुप्लीकेट जो चलन है, ये नोट बनाने का जो काम कर रहे थे, प्रिंटिंग का कागज़ था, वो सब सॉफ्टवेयर था, तो ये जो चेतन एकनाथ मिस्त्री, उम्र 41 साल है, ये भी निज़ामपुरा सेक्शन में रहता है, उसके ही घर से ये सब जो है जो सब बनाने का जो सामान है वो सब जब्त किया है, वैसा पंचनामा किया है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी शांति नगर पुलिस स्टेशन को मिली है। लगभग 500 और 100 के ऐसे 39,180 का पूरा जो सामान है वो उसकी कीमत है वो मिला है, और इसमें ये एक बड़ी कामयाबी मिली। और तीसरा ये है कि 16/9/2021 को नामे सुमेल अंसारी सबका होटल के सामने भारत कंपाउंड ये चरस बेचने के लिए आने वाला था, ऐसी इन्फॉर्मेशन SI शेल के जो है इनको मिली हमारे शांति नगर पुलिस स्टेशन के, और हमारे अफसर और कर्मचारी जो है वहाँ पे गए और ट्रैप लगा के उसको सुमेल मुश्ताक अंसारी को ताबे में लिया और उसके यहाँ से 490 ग्राम जो है वजन का चरस जो है बरामद किया है, उसकी कीमत लगभग 4,90,000 है और 5,000 रुपये कीमत का वीवो कंपनी का मोबाइल, ऐसे 4,95,000 का मुद्देमाल जो है वो सब जब्त किया है। और ये इसमें 633/21 के तहत NDPS एक्ट के तहत ये मामला शांति नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। बहुत ही अच्छी कामयाबी ये शांति नगर पुलिस स्टेशन को और भिवंडी जोन में
हुई है, और इस सब में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर जो शीतल राउत साहब है उनका अहम भूमिका है। उन्होंने बहुत अच्छे इसमें जो उनके साथी है PI क्राइम किरण कबाड़ी, PI जो एडमिन है विक्रम मोहिते, PSI रविंद्र पाटिल, PSI नीलेश जाधव, ESI शेल के पुलिस हवलदार चौधरी, पुलिस नाइक इथापे, पुलिस नाइक वड़े, पुलिस नाइक जाधव, पुलिस नाइक पाटिल, पुलिस नाइक काकड़, पुलिस नाइक सैयद, पुलिस नाइक शिंदे, पुलिस शिपाही मोहिते, पुलिस शिपाही इंगड़े, पुलिस शिपाही पाटिल, पुलिस शिपाही सानप, पुलिस शिपाही चौहान, और ये सभी लोग, और ये हमारे जो मेरे ऑफिस में काम करते हैं ताठे करके है विविध, इन सभी लोगों ने बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया है। इसी का नतीजा है कि आपके सामने दिख रहा है कि ये बहुत बड़ा अच्छा डिटेक्शन ये हुआ है, नहीं तो ये ऐसे लाखों करोड़ों रुपए छापते थे और आगे जाके हमारे चलन में आते थे और बहुत बड़ा ये क्राइम होता था। उसके पहले ही इनको धर दबोच लिया गया है, और इनमें और जो है 28 तारीख का ये जो लोग है इनको जिन्होंने इस तरीके से डुप्लीकेट नोट पर, इनको 28 तारीख तक PC मिली है, और ये PC में भी और कुछ आगे जाके जो जानकारी मिलेगी और इससे कई जुड़ी तारे होंगी तो उनके छानबीन हमारे जो आए इसमें विक्रम मोहिते ये कर रहे, तो आगे जाके इसमें और बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा, ये सभी लोगों को, सभी अफसर को मैं बधाई देता हूँ, शुक्रिया। सर, क्या कहते हैं जिस तरह से वो जाली नोट का धंधा सर कर रहा था, सर वो कितने सालों से कर रहा था और वो कितने लोगों को अब तक जाली नोट दे चुका होगा? सर, सवाल जो ये उठता है कि अब जो लोगों ने जाली नोट ले लिए हैं उनके पैसे और क्या होगा? सबसे पहली बात है कि ये जो है मैंने बताया कि 28 तारीख तक जो है इनको PC मिली है, तो इसमें और कि भाई किस तरीके से इन्होंने और लोगों को बेचा है, दिया है, और किस तरीके से वो दूसरे इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी मालूमात मिलेगी। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं, और ये जो कारोबार इनका चल रहा था ये लगभग 6 महीने से चल रहा था, तो फिर ये बातें जो है ये छुपती नहीं है, कहीं ना कहीं किधर से ना किधर से ये ध्यान में आ जाता है, ये कई गलतियाँ कर बैठते और ये पुलिस के झांसे में या पुलिस खुद उनके इसमें ये होती कि भाई हमें ऐसा डाउट आ रहा है, तो जब हम जो डाउट क्लियर करते हैं उसका वेरिफिकेशन होता है कि भाई ये सही मामला है और इसको आगे जाके अपन को पकड़ना है, तो हिसाब से वो सब फील्डिंग लगा के ट्रैप लगा के इनको अरेस्ट किया है, इनके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर किया है। इसमें ऐसा है कि अगर जिन लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि उनको डाउट है कि ये डुप्लीकेट नोट है, ये कब जाके क्लियर होगा? जब आप बैंक में जाएंगे, बैंक में जाने के बाद वो बैंक के लोगों को बराबर मालूम होता है, उनकी सीरीज रहती है, सीक्वेंस रहता है, और वो इस हिसाब से नोटों का ये होता है। वो अगर जिनको डाउट है तो वो उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और अगर बैंक वाले हमारे पास आता है कि भाई ऐसे है तो वो हिसाब से अलग से FIR हम दर्ज करेंगे।